नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, सदर थाना की पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। खबर है सहरसा से, जहां सदर थाना की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने दो अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने हथियार और लूट की बाइक बरामद की। सदर SDPO संतोष कुमार की माने तो सुखासन, रणखेत चौक और हटियागाछी के समीप कार्रवाई के दौरान सदर थाने की पुलिस 4 अपराधियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की, जिनके पास से पुलिस ने 4 पिस्टल, 19 जिंदा कारतूस और 4 मैगजीन, 2 लूट की बाइक सहित एक अन्य बाइक बरामद किया। गिरफ्तार अपराधियों में बिट्टू कुमार, भीम कुमार, केशवजात, चंदन कुमार शामिल हैं, जो जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार अपराधियों को जेल भेजने की कवायद में सदर थाने की पुलिस जुट गई है। थाना अध्यक्ष सुधाकर कुमार के निर्देशानुसार स्पेशल ऑफिसर PSI चंद्रजीत कुमार को पैंथर टीम के साथ भेजा गया था पेट्रोलिंग के क्रम में। ये वाहन चेकिंग कर रहे थे, तो वाहन चेकिंग करने के क्रम में ही सुखासन रणखेत के पास एक मोटरसाइकिल पर 2 सवार व्यक्ति भागने का प्रयास किया, उसको इन लोगों ने खदेड़ कर पकड़ लिया। तो पकड़ के लिया इन लोगों की, जब तलाशी ली गई तो तलाशी में इन लोगों के पास से 2 पिस्टल, सर कुछ जिंदा कारतूस वगैरह प्राप्त हुए, और जिस मोटरसाइकिल से भाग रहा था उसको भी लेकर के थाने की ओर आ रहे थे। इसी भी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुधाकर को सूचना मिली कि हटिया का चीज है, कुछ अपराधी किस्म के लोग हैं। इस पर जब इन लोगों ने वहाँ से लौटते समय उन लोगों को चेज किया, तो वहाँ केशव झा नाम का एक व्यक्ति पकड़ाया, वो भाग रहा था, इनको देख कर गए, पकड़ने के बाद इनके हाथ में एक पिस्टल निकला। ये बंदा अकेले ही था, इन लोगों को लेकर के फिर थाना आया है, यही मामला है। दो और जो पकड़ा है वो उसमें केशव, ये चंदन कुमार एक और पकड़ा गया है, जो चोर है गोकसम से, चोरी की मोटरसाइकिल पकड़ाई है इसके निशानदेही पे, जिसकी कांड संख्या 245/22 में एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, उस मोटरसाइकिल को पकड़ाया गया, उसी की निशानदेही पे पूछताछ में फिर एक और मोटरसाइकिल पकड़ा गया है, वो चंदन कुमार। ये लोग हथियार का तस्करी करता था या? जब चल रहे हैं तो निश्चित तौर पर हथियार को तस्करी करता होगा, किसी को सेल करता होगा, घुसता होगा। आपराधिक इतिहास के लोग फाइनल के आपराधिक इतिहास की खंगाली जा रही है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। क्राइम रिपोर्टर चेतन सिंह, R9 भारत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।